आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए खबर अच्छी नहीं है। हर अपडेट के साथ राजू श्रीवास्तव की तबीयत और खराब होने की खबर सामने आ रही है। एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है और राजू श्रीवास्तव को अभी तक होश नहीं आया है। दिल्ली के एम्स में कॉमेडियन का इलाज चल रहा है और उनकी तबीयत कल रात से और भी ज्यादा बिगड़ गई है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। इस बीच उनके दोस्त सुनील पॉल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पॉल बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव जी के लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत गंभीर हालत से गुजर रहे हो। राजू श्रीवास्तव के फैंस से दुआ करने को बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजू श्रीवास्तव के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। सुनील पॉल ने बताया कि डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। प्रार्थना कीजिए, ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। 10 अगस्त को उन्हें वर्कआउट के दौरान बेहोश हो जाने पर एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू की एंजियोग्राफी की गई जिसमें दिल के बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज था। 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं। इस सब के बीच राजू श्रीवास्तव के साथी कॉमेडियन एहसान कुरैशी का भी कहना है, राजू श्रीवास्तव का ब्रेन डेड हो चुका है और हम सब कोई किसी बड़े चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को लेकर जहां डॉक्टर्स ने अपनी उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन तमाम उनके चाहने वाले दुआ कर रहे हैं कि दुनिया को हंसाने वाला वापस लौट कर उनके बीच आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।